काफ़ी बच्चे इकट्ठित थे और उन्होंने सुना भी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं अपने हिसाब से हैं तो देखिए मिल पाते हैं, इस हिसाब से मिल लिया। और एक कौन से खेल खेलते हैं आप? यहाँ पे खरगोश वगैरह भी देखने के लिए मिल जाता है, इमो भी। तो मुझे ऊपर, अरे अरे भैया, अरे भैया रुको, अरे देख लो थोड़ा सा फॉर माय व्यूअर्स। जोहार गाइस, 160 दिन आज, मतलब आज हम पैदल यात्रा करेंगे पूरे गुमला के पब्लिक रिएक्शन को देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल इनके घर पे था और एक इंस्टेंट ब्लॉग आप देख रहे हैं इस वक्त, आप टीवी ब्लॉग के ब्लॉग देख रहे थे। तो इनके यहाँ पे मुझे ब्रेकफास्ट में वो मिला जो मैं चाहता था पूरे पदयात्रा में कि मुझे मिले, ये है मड़वा की रोटी। आप लोगों ने खाया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। यस, सो फाइनली रेडी हो गया हूँ, अब गुमला के बाहर शहरों में घूमूँ उससे पहले एक नई फैमिली। थैंक यू आप लोगों ने जो प्यार दिया उसके लिए, मिलते हैं, आएंगे जरूर। वैसे आपको याद होगा जब भीड़ होते हुए मैं सिसई घुसा हुआ था तो आपको बताया था कि गुमला ज़िले का जो आरटीओ नंबर है 07 है। तो भैया सुमन भैया के साथ हम जा रहे आगे तक, इन्होंने बोले कि चलो मैं तुम्हें बाइक में छोड़ दूँ। कल सही है परेशानी कि बाइक में तुम्हें लेकर के पूरे गुमला घुमा दूँ। फिर कभी आते हैं तो घुमाइए, है ना। एक दो प्लेस तो वैसे भी छूटी जानी है, बहुत सारा एकदम। वैसे नामचिन और आइडेंटिटी के जगहों में से गुमला का ये भी प्लेस आता है, सबसे बड़े चर्चों में से एक, संत पात्रिक चर्च के नाम से जाना जाता है ये। मैं इधर से होते हुए उस लाइन स्कूल और कॉलेज भी विजिट किया जहाँ पे काफ़ी बच्चे इकट्ठित थे और उन्होंने सुना भी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं अपने बातों को कंप्लीट कर रहा था। वैसे आज एकेडमिक टूर है तो चलिए हम देखते हैं कि पब्लिक रिएक्शन क्या आता है उसमें। मौसम सुहाने हैं पता है, बट मेरे पसीने निकल रहे हैं यार, बताओ, क्योंकि अब जो गर्मी है ना, अब गर्मी उमस वाली गर्मी आ रही है, उसके बावजूद पानी कैसे पड़ने लगा है झुमझुम झुमझुम समझ में नहीं आ रहा। ये है शायद टावर चौक, अब शायद मुझे इधर जाना पड़ेगा। एक भाई आया है गुमला से, जोहार जोहार, चलो इधर इंग्लैंड के पास से जल्दी चलते हैं। हाँ हाँ, कहीं साइड से तो चले जाए। इस वक्त कुछ बारिश के फुहारे, बस आगे बस स्टैंड है मेरे और भाई जो कि गुमला घुमा रहे हैं, मुस्कुराइए आप गुमला से हैं वाले पेज चलाते हैं ये। मैं तो हर जगह पे आग्रह करता हूँ आपसे कि आप मुझे अपने शहर घुमाएं, जिनमें से ये भाई मुझे अपने शहर घुमाने में या मुझे घूमने में मदद करें। तो ये है बस स्टैंड वाले इलाके, यहाँ से आपको लगभग हर जगह के बस मिल जाएंगे, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, रांची, फलाना, कुछ तो हर जगह का। ये बगल में रहा जोहार गुमला वाला शाइन जो रात को काफ़ी चमकदार होती है ये। वैसे इसके बारे में एक बहुत विशेष बात बताऊंगा, ये सारी चीज़ जो आप देख रहे हैं ना, बगुला वगैरह वगैरह, आप देख सकते हैं कुछ कुछ स्ट्रक्चर, मैं आपको बता दूँ DC जो है ना यहाँ के, सुशांत गौरव, उन्होंने ये सारी कलाकारी करवाई गुमला को संवारने में। और इसके पहले सिमडेगा में कई बार उनकी जिक्र मैं सुन चुका हूँ। ये देखो, ये सारे कलाकारी उन्होंने ही करवाया ताकि गुमला हमारा सुंदर लग सके। सुशांत गौरव सर, उनसे मिलने के लिए मैं अभी इस वक्त डिस्ट्री ऑफिस की ओर जा रहा हूँ, SPDF से जो भी मिलेंगे देखता हूँ उनसे, क्योंकि जिन्होंने इतना चेंजेस करवाया ना उनसे तो मिलना बनता है, एक फ़ोटो तो बनती है, मुझे ये चीज़ें पसंद आई। चलिए अब SPDF ऑफिस की ओर चले। अच्छी जगह मुझे समझ में आ रही है आपको। मैं तो चाहता हूँ कि सुशांत गौरव सर का ट्रांसफ़र हमारे ज़िले में हो जाए, बोकारो ज़िले में। खैर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके ट्रांसफ़र के लिए लोगों ने मतलब जद्दोजहद कर दी ताकि यहाँ से उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए किसी और जगह पे। यही होता है यार अपने राज्य में,
कहीं पे भी भारत में कोई भी अच्छा काम किया तो उसको ट्रांसफर कर दो। मेरा भी एक मित्र है गोविंद कुमार शर्मा, उस बंदे के साथ भी वही कहानी है। आज लगभग कोशिश करूंगा कि गुमला जिले की सभी पॉसिबल चीजों को एक्सप्लोर करके दिखा दूं। आवाज फिर से सर जी, किधर है? किधर ये रहा इधर से जाना। ये जो मुस्कुराइए आप गुमला में है भाई अभिषेक नाम है इनका, इन्होंने एक्चुअली मेरे बारे में पूरा लिखवाया है। आप इसको पॉज करके जरूर इसको पढ़ें। मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ आपको, थैंक यू सो मच कि मेरे लिए आपने इतना कुछ किया। और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको गुमला के बारे में कुछ विशेष जानकारी चाहिए इस महोदय के पेज में जाएं, इससे पता करें इन जगह के बारे में। इन्होंने अपना दायित्व संभाला है कि मुझे गुमला को चमकाना है, इनसे संपर्क जरूर करें एक बार। इनका पेज जो है ना आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएगा। क्या है पेज का नाम? मुस्कुराइए आप गुमला में। जी जैसे कि मैं बता रहा था कि बहुत सारा डेवलपमेंट उन्होंने करवाए। सावित्री बाई फुल्ले महिला पुस्तकालय है ये गुमला में स्थित, तो इनको भी डीसी साहब ने कुछ दिन पहले इनोग्रेट किया। और ऐसे ही कई सारे काम उनके हो रखे हैं, तो मैं वही जा रहा हूँ मिलने के लिए। आप सब मिलता हूँ तो मैं ज़रूर आपको एक फ़ोटो उनके साथ हुई है वो शेयर करूँगा। कुछ पब्लिक रिएक्शन पीछे वाला को भी देखो, बोल रहे हैं कि पैदल घूम रहे हैं और मुझसे कम लोगों से ज़्यादा पूछ रहे हैं मेरे बारे में, तो मुझसे भी पूछ लो यार। डीसी साहब तो हैं, तो देखिए मिल पाते हैं कि नहीं। तो डीसी साहब से मिल लिया और एक महान खिलाड़ी से मैं आपको मिलाना चाहता हूँ। मैम आपका नाम क्या हुआ? अच्छा, बेस्ट विशेस फॉर योर नेक्स्ट जर्नी और गेम्स। कौन से खेल खेलते हैं आप? बहुत अच्छा लगा। आपकी जो भी चीज़ें हैं उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। गुमला से है ना? गुमला में कहाँ से? आता हूँ मैं आपके प्रखंड है चैनपुर ना, मैं आता हूँ। ठीक है गाइस, तो डीसी साहब से मिलने के बाद एक मैम से मिला जो कि एक प्लेयर है, बहुत अच्छी खिलाड़ी है, अपने गुमला जिले को रिप्रेजेंट भी करती हैं। और उनसे मिला, उनसे मिलने के बाद SDPO साहब से मिलने के लिए मैं गया। संदेश हो तो जवान छात्रों को लोग बहुत लोग नहीं जानते हैं और इनको एक अलग तरीके से लोगों ने इनको एक रूप दिया हुआ है कि यहाँ जो भी हमारा संस्कृति है उससे हर हिंदुस्तान के हर लोग इसे इसको जाने, ताकि झारखंड गरिमा जो है गरिमा है वो संकट बने। और अब हम आगे गुमला जिला के, खास करके जब गुमला मुख्यालय आप विजिट करते हैं उसके आसपास में और क्या कुछ है उसको एक्सप्लोर करने के लिए चल रहे हैं। इसी ब्लॉग में आप देखोगे और पब्लिक का उस दौरान रिएक्शन क्या है आगे आपको देखने को मिलेगा, बने रहे। चलते चलते एक चीज़ मुझे नज़र आ गई ना, मैं सोचा कि मैं आपको दिखाते चलूँ। दीवार पर पेंटिंग किया गया प्रोटेक्ट वाटर और गो ग्रीन वाला जो प्लेस है, गो ग्रीन वाली जो पेंटिंग है उसको मैंने देखा, तो मैंने सोचा ना कि मैं दिखाते चलूँ आपको। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आसपास में स्वच्छता रखें, सफाई रखें और पानी की ज़रूरतों को समझे यार। जितना ज़्यादा आप बचा सको पानी उतना हमारे लिए अच्छा है, हम सभी के लिए। अभी एक ऐसे जगह पे आए हैं जिसकी ब्लॉग्स आती होंगी, कोई बनाता होगा बट मुझे नहीं पता, बट मैं इंडोर स्टेडियम घूमने के लिए आ गया। स्पोर्ट्स को बहुत पसंद करता हूँ जैसा कि आप लोग पहले से भी जानते हैं, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरे बाकी पिछले के ब्लॉग्स भी देख सकते हैं। इंडोर स्टेडियम भी है खेलने के लिए और एक छोटा सा पार्क भी है जहाँ पे थोड़ा जिम टाइप से भी लगी हुई है, तो मैं सोचा कि चलो यार विजिट कर किया जाए। जब भाई घुमा रहे हैं तो पूरा गुमला घूमने में क्या टेंशन है। ये है उधर लगाए हुए जिम उनकी बैठने की, तो ये मार्केट भी देखने को मिलता है, बड़े बड़े जामुन और वो आगे फुटका देखने के लिए मिल रहा है। ये देखिए फुटका कैसे दोना दे रहे हैं, 40 रुपये दोना। कहाँ जा रहे हो? पूरे झारखंड घूमे। आगे काली मंदिर है, माता का दर्शन करने के बाद मैं पुनः वापस जाऊंगा आज अभिषेक भाई के यहाँ पे।
तो अभी आ गए हैं बिरसा मुंडा पार्क, ये देखो। चलो अब यहाँ पे देखते हैं पब्लिक रिएक्शन कैसा है, और इसे पार्क भी जल्दबाजी में मैं आपको दिखा दूँ पार्क। तो यह बिरसा मुंडा पार्क वास्तव में बहुत खूबसूरत बनाया गया, अच्छा मेंटेनेंस है, बाकी सभी जगहों से तो बढ़िया बेहतर ही लग रहा है। और इस जगह पे आने का एक तो फायदा है कि आप पार्क वगैरह भी घूम सकते हैं, तो ये कुछ क्रिएटिविटी है। और लगभग रोजेस के गार्डन देखने के लिए मिल जाते हैं, झूले भी सामने देखने के लिए मिल जाते हैं। चलिए, आपको यहाँ पे खरगोश वगैरह भी देखने के लिए मिल जाता है, ईमू भी, तो मुझे वो हिट की तो मैं चलो दिखाई ले रहा हूँ थोड़ा सा। ये देखो खरगोश इतने सारे यहाँ पे, और वो साइड है ईमू। तो ये है ईमू भाई साहब। बात ऐसा है कि जगह नहीं है तो चुपचाप से देख लो यार थोड़ा सा। अरे अरे भैया, अरे भैया रुको, अरे देख लो थोड़ा सा फॉर माई व्यूअर्स। चलो ठीक है, थैंक यू। तो ये लो जी जोहार को गुमला वाला जो लाइट है ना वो ऑन हुई है। मुझे लगता है कि आप इस ब्लॉग को यहीं पेंट कर देना, क्योंकि काफ़ी रात होने लग रही है यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। चलिए इंस्टेंट ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं, अब आप इंजॉय करेंगे फिर दूसरे ब्लॉग। मिलते हैं आपसे फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखें। जोहार झारखंड, जोहार भारत।